Dear students, today we will cover the topics positions of cardinal points in thick lens, variation of focal length of thick bioconvex lens, and the introduction to telescopes. Okay, so first, the positions of cardinal points in thick lens. As we have discussed about the thick lens and something introduction about the cardinal points in thick lens. Thin lenses में भी हम cardinal points पढ़ चुके हैं, लेकिन thick lens में जो position cardinal points की हमें find out करनी है वो हमने यहाँ पर आज पढ़ना है. okay, so first is the second focal point, that is beta 2. This is denoted by beta 2. Okay, so second focal point is situated at here in this figure. The second focal point is at the distance from P2. So P2 F2 will be the distance that is called the at which the second focal point is situated. Okay, so distance of the second focal point F2 from the second surface of the lens, that is this in figure, and this is the second surface of the thick lens, and this distance we have to find out, that is P2F2. So P2F2, now using equation 3 was P2F2. equation 3 आपने कल पढ़ी थी, जो उसमें कल के जो लेक्चर में equation 3 है उसको आप यूज कर लेंगे यहाँ पर. सो P2F2 इज इक्वल टू हमने निकाला था F × P2S/P1S. ओके, सो इज इक्वल टू F × P1S − t. दिस P2S कैन बी रिटन एज द P1S − t, टी वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ दिस लेंस. ठीक है, तो कल के जो फिगर में समझाया था मैंने, वहाँ पे भी हमने डेरिवेशन करते हुए वक्त ये P2S जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी थी. तो P2S जो था वो था P1S − t. ओके, P1 यहाँ पर है ये, और S जो है वो ये डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, और ये जो वैल्यू है ये T है. ठीक है, तो हमें चाहिए P2S. ये P2S जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इस पूरे में से ये वाली लेंथ को हटा दें, यानी कि P1S में से ये T अगर हम हटा दें. ठीक है, सो P2S विल बी P1S − t / P1S इज इक्वल टू F × ये P1S से P1S कैंसिल हो जाएगा और −t/P1S रह जाएगा. सो F × 1 − t/P1S. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भी थी हमारे पास ये 1/P1S, ये भी आप देख लेंगे कल के लेक्चर में. 1/P1S इज इक्वल टू μ − 1/μ × R1. ओके, सो P2F2 विल बी therefore F × 1 − t/P1S की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर लीजिए, यानी कि 1/P1S की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, t के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1/P1S. सो दिस विल बिकम F × 1 − t × μ − 1/μ × R1. ओके, सो दिस P2F2 वी आर रिप्रेजेंटिंग इट द beta 2. From beta 2, so beta 2 is equal to this distance, P2F2 is beta 2, okay? So beta 2 will become F × 1 − μ − 1/μ R1 × t, okay? So at this distance from the
second surface of the lens. This second surface of the lens, and at this distance, डिस्टेंस क्या है ये, ये वाली जो डिस्टेंस पी टू एफ, पी टू से जो है ये सेकेंड सरफेस से किस डिस्टेंस पे जो है हमें सेकेंड फोकल पॉइंट मिलेगा, किस डिस्टेंस पे, एफ इंटू वन माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी अपॉन म्यू इंटू आर वन. ठीक है, नाउ द सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट, सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट दैट इज एच टू, ये वाला जो पॉइंट है एच टू. ठीक है, ये एच टू की हम डिस्टेंस निकालें अगर पी टू से. ठीक है, सो द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट एच टू फ्रॉम द सेकेंड सरफेस पी टू, सो दिस डिस्टेंस इज denoted by alpha 2, this alpha 2, okay. So P2H2 is equal to, we can write P2H2, हमें कैसे निकलेगा बताओ, P2H2, this P2H2. अगर हमारे पास ये distance है F2H2, ठीक है, और मैं इसमें से ये डिस्टेंस हटा दूं, कौन सी, F2P2. ठीक है, ये डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस को हटा दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P2H2. ठीक, तो P2H2 कैन बी रिटन एज F2H2 माइनस F2P2. P2H2 इज इक्वल टू F2H2 माइनस F2P2. ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है हमें इसकी डायरेक्शन, F2H2 जब हम लिख रहे हैं तो ये डायरेक्शन है इसमें. ठीक है, और F2P2 लिख रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन भी सेम है. अगर मैं इनको इन्वर्ट कर दूँ, यानी कि F2H2 को लिख दूँ, इस F2H2 को मैं लिखना चाहूँ अगर H2F2, तो मुझे एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, दैट इज़ माइनस H2F2 प्लस F2P2 को हम लिख सकते, ये नेगेटिव साइन है यहाँ पर F2P2, सो अगर मैं इसको इन्वर्ट करूँगी तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में चेंज जाएगा, तो P2F2. ओके, नाउ H2F2, दिस H2F2 इज वॉट, H2 सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट से जो इस सेकेंड फोकल पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है दैट इज फोकल लेंथ. ठीक है, तो माइनस ऑफ एफ प्लस P2F2. P2F2 की वैल्यू क्या अभी हमने निकाली नहीं, ये वाली. ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे, तो माइनस H2F2 प्लस P2F2 दिस. ओके, सो दिस विल बिकम, ये सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ये आ जाएगा आपके पास प्लस एफ इंटू म्यू माइनस वन टी अपॉन म्यू आर वन. ओके, सो सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट, यानी कि जिसको हम डिनोट कर रहे थे अल्फा टू से, सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट, इसकी हम डिस्टेंस निकाल रहे थे सेकेंड जो पोल है या फिर सेकेंड सरफेस से जो डिस्टेंस है, ये सेकेंड सरफेस जो है थिक लेंस का, इससे जो डिस्टेंस है उसको हम निकाल रहे थे. ठीक है, इसकी सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट, जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, सेकेंड सरफेस से इतनी डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, एफ इंटू म्यू माइनस वन इंटू टी अपॉन म्यू आर वन. ओके, नाउ सिमिलरली फर्स्ट फोकल पॉइंट दैट इज डिनोटेड बाय बीटा वन एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट डिनोटेड बाई अल्फा वन. तो बीटा वन अल्फा वन कैन बी कैलकुलेटेड एज वी हैव कैलकुलेट दिस. ठीक है, तो जैसे हमने ये कैलकुलेट किए हैं वैसे ही हम फर्स्ट फोकल पॉइंट को भी लिख सकते हैं कि वो कितनी डिस्टेंस पे होगा.
फर्स्ट फोकल पॉइंट को हम लिख सकते हैं, देखो पी वन एफ वन, क्योंकि पी टू एफ टू जो है वो क्या है, फर्स्ट सेकंड सरफेस से सेकंड फोकल पॉइंट की डिस्टेंस, और फर्स्ट फोकल पॉइंट की फर्स्ट सरफेस से जो डिस्टेंस होगी दैट इज फर्स्ट फोकल पॉइंट, दैट इज फर्स्ट फोकल पॉइंट पी वन एफ वन. सो पी वन एफ वन इज इक्वल टू, पी वन एफ वन इज इक्वल टू, वी कैन राइट एज दिस इक्वेशन. बट यहाँ पर क्या डिफरेंस आ जाएगा, एफ की जगह पे अब नेगेटिव एफ आ जाएगा, ठीक है. सो माइनस ऑफ एफ इंटू वन माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी अपॉन म्यू इंटू आर टू. सो फोकल लेंथ जो होगी वो क्योंकि लेफ्ट साइड होगी इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन ले रहे हैं, ठीक है. नाउ दी फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट कहाँ पे सिचुएटेड है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट जो है सपोज ये है यहाँ पर एच वन. ये एच वन जो है वो कितनी डिस्टेंस पे है फर्स्ट सरफेस से, यानी कि पी वन एच वन. तो पी वन एच वन भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं सिमिलरली इसकी तरह, बस एफ की जगह पे हमें क्या पुट कर देना है, नेगेटिव एफ. सो पी वन एच वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ म्यू माइनस वन टी म्यू अपॉन म्यू आर टू. यहाँ पर हाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जब हम सिमिलरली लिख रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चेंज होगा. यहाँ पर फर्स्ट सेकंड जो प्रिंसिपल पॉइंट हम निकाल रहे थे तो वहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा था आर वन, जबकि यहाँ आएगा आर टू, ठीक है. सिमिलरली यहाँ फर्स्ट जो फोकल पॉइंट में अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर टू आ जाएगा, जबकि यहाँ क्या आ रहा था, आर वन, ठीक है. तो ये थोड़ा सा चेंजेस जो है करने हैं आपने, एक तो एफ को जो है आपने माइनस एफ से रिप्लेस करना है, और एक अगर आर वन है तो उसको आर टू से रिप्लेस कर देना, और आर टू है तो आर वन से रिप्लेस कर देना इन फॉर्मूले में, ठीक है. तो ये तो हमारे पास चार जो कार्डिनल पॉइंट्स थे इनकी क्या आ गए, पोजीशंस आ गई हैं, ठीक है. अब जो नोडल पॉइंट्स रह गए हैं, दो नोडल पॉइंट्स भी हैं कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है. तो दो नोडल पॉइंट्स जो होंगे वो सेम होंगे एच वन और एच टू की जो पोजीशन है वही होंगी. व्हाई, सिंस द मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस इज सेम, दैट इज एयर, ठीक है. क्योंकि मीडियम जो है दोनों साइड्स का, लेंस की दोनों साइड क्या है, एयर है, इसलिए एन वन और एन टू जो होंगे वो सेम उसी पोजीशन पे बनेंगे जिस पोजीशन पे जो है हमारे क्या है प्रिंसिपल पॉइंट्स बन रहे थे, यानी कि एच वन एंड एच टू. ओके, सो इनकी जो पोजीशन होगी वो भी क्या होगी, यही होगी, यानी कि हम लिख सकते हैं कि पी टू एच टू जो होगी वही होगी हमारी पी टू एन टू, यानी कि एच टू और एन टू कोइंसाइड कर रहे हैं ये पॉइंट्स जो हैं एच टू एंड एन टू. सिमिलरली एच वन और एन वन भी क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं. सो पी एच वन इज इक्वल टू, सॉरी पी टू एच पी वन एच वन इज इक्वल टू पी टू एच टू. पी वन ये हमने लिखा था क्या, पी टू एच टू इज इक्वल टू पी टू एंड पी वन एच वन इज इक्वल टू पी वन एन वन, ठीक है, पी वन एन वन, ठीक. तो ये भी डिस्टेंस जो है आपके पास जब आएगा तो आप एक तो ये लिखोगे, उसके साथ साथ आपने नोडल पॉइंट्स लिखना है पी वन एन वन इज इक्वल टू ये वैल्यू पी वन एच वन की, ठीक है. और पी टू एन टू कौन सी वैल्यू, जो पी टू एच टू वाली वैल्यू है, पी टू एच टू वाली वैल्यू ये, ठीक. तो ये तो थे आपके पोजिशंस ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स इन थिक लेंस. कार्डिनल पॉइंट्स जो हैं किस किस पोजिशन पे हैं थिक लेंस में वो हमने ये यहाँ पे ड्राइव किया, ठीक है. नेक्स्ट है आपके वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ थिक कॉन्वेक्स, थिक बायो बायो कॉन्वेक्स लेंस. वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ थिक बायो कॉन्वेक्स लेंस. ओके, हाँ
सो वी नो द फोकल लेंथ ऑफ अ थिक लेंस. फोकल लेंथ जो होती है थिक लेंस की वो कितनी होती है, ये अभी हमने कल प्रूफ किया था. वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इन टू ब्रैकेट में है वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू प्लस म्यू माइनस वन इन टू टी म्यू आर वन अपॉन म्यू आर वन आर टू. ठीक है, तो ये जो फोकल लेंथ थी थिक लेंस की ये हम प्रूफ कर चुके हैं. ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ थिक बायोकॉन्वेक्स लेंस. बायोकॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, बायोकॉन्वेक्स लेंस मतलब जिसके कि दोनों स्फेरिकल सरफेस जो हों वो कॉन्वेक्स हों, जैसे कि ये. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द बायोकॉन्वेक्स लेंस. और इसका एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन आई. ह्यूमन आई, सो ह्यूमन आई इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बायोकॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, तो इस तरीके का कोई अगर लेंस है, थिक लेंस, थिक बायोकॉन्वेक्स लेंस है, तो उसके लिए जो फोकल लेंथ हम निकालते हैं वो उस थिकनेस के साथ कैसे वेरी करती है, ये हम इसमें पढ़ेंगे. तो फोकल लेंथ ऑफ अ थिक लेंस हमें पता है, ये होता है फॉर्मूला. नाउ इफ बायोकॉन्वेक्स लेंस हैव रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन एंड आर टू, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन जो है उसके लिए प्लस आर वन है एंड आर टू जो है वो माइनस आर टू है. तो ये हम अगर सब्सटीट्यूट कर दें इस इक्वेशन में, ये इस इक्वेशन में, सो इट विल बिकम वन अपॉन एफ. वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इन टू आर वन की जगह पे हमने लिख दिया आर वन स्मॉल आर वन और आर टू की जगह पे लिख दिया माइनस ऑफ स्मॉल आर टू. तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, या प्लस हो गया. ठीक है, फिर माइनस क्योंकि यहाँ म्यू माइनस वन है, प्लस का म्यू माइनस वन इंटू टू, तो यहाँ आ जाएगा म्यू माइनस वन इंटू टू अपॉन म्यू इंटू आर वन को फिर से रिप्लेस करेंगे स्मॉल आर वन से और आर टू को रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ स्मॉल आर टू से, इसलिए यहाँ एक माइनस साइन आ गया. ठीक है, सो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट आई है ये क्या है, बायोकॉन्वेक्स लेंस जिसके लिए कि रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या क्या है आर वन एंड माइनस आर टू. सो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू माइनस वन वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू माइनस म्यू माइनस वन अपॉन म्यू आर वन आर टू इंटू टी. दिस इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, सो फॉर अ थिन लेंस, अगर एक थिन लेंस के लिए क्या होगा, थिन लेंस के लिए जो टी है वो हम मान सकते हैं कि जीरो है. ठीक है, उसकी जो मोटाई है वो बहुत कम है, तो हम मान सकते हैं कि टी इज इक्वल टू ज़ीरो. सो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, वन अपॉन एफ नॉट मान लेते हैं हम इसको अब. सो म्यू माइनस वन, वन अपॉन एफ नॉट से डिनोट कर रहे हैं हम. सो म्यू माइनस वन वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू. ओके, क्योंकि ये टी तो हो गया ज़ीरो, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, ज़ीरो हो गया ये टर्म. ठीक है, तो रहेगा क्या आपके पास, ये. तो थिन लेंस के फोकल लेंथ यानी कि एफ नॉट के टर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये वैल्यू जो आई हमारे पास इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं वन अपॉन एफ नॉट. सो वन अपॉन एफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वन अपॉन एफ कैन बी रिटन एस, ये जो ये वाला टर्म है, ये देखो ये वाला टर्म, ये क्या आया, वन अपॉन एफ नॉट. ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने वन अपॉन एफ नॉट. सेकेंड माइनस, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का म्यू माइनस वन होल स्क्वायर टी अपॉन म्यू इंटू आर वन आर टू. तो ये आ गया सेकेंड टर्म, माइनस म्यू माइनस वन होल स्क्वायर टी अपॉन म्यू इंटू आर वन आर टू. सो दिस इक्वेशन इज इक्वेशन थ्री. सो इक्वेशन थ्री क्या आपको बताता है, दिस इक्वेशन थ्री शोज दैट इफ टी इंक्रीजेस, अगर हम टी को इंक्रीज करें ज़ीरो से अप टू वन टू थ्री फोर फाइव अप टू सो ऑन, मतलब हम इसकी अगर थिकनेस जो है वो सेंटीमीटर्स में हो चाहे जिसमें भी, हम इसको क्या करें अगर इंक्रीज करते हैं. ठीक है, तो ये बताओ कि ये वन अपॉन एफ जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी
डिक्रीज होगी क्योंकि ये टर्म इंक्रीज होगा, ये टर्म इंक्रीज होगा, वन अपॉन एफ नॉट में से क्या होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो यानी कि ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, सो जैसे जैसे ये दूसरा टर्म इंक्रीज होता जाएगा, ये जो वन अपॉन एफ की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और वन अपॉन एफ डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब, वन अपॉन एफ जो है वो डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब एफ क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ थिक बायोकॉन्वेक्स लेंस इंक्रीजेस एज द टी इंक्रीजेस, यानी कि थिकनेस जो है इस लेंस की बढ़ाने पे जो इसकी फोकल लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, सो हमें पता है पावर जो होती है लेंस की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ की, दैट इज पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि जब वन अपॉन एफ जो है वो थिकनेस बढ़ाने पे क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो पी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि पी इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एफ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो बात वही है कि अगर हम एफ को इंक्रीज कर दें तो पी क्या होगा, डिक्रीज होगा, या फिर हम अगर वन अपॉन एफ को इंक्रीज कर दें, वन अपॉन एफ को जो है हम क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, तो पी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो पावर ऑफ अ लेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ, सो पी थिक यानी कि पी थिक जो होगा, यानी कि थिकनेस बढ़ाने पर, हमने कहा था थिकनेस बढ़ाने पर जो वन अपॉन एफ जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो वन अपॉन एफ डिक्रीज होगा यानी कि पी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे थिकनेस बढ़ाएंगे यानी कि थिक लेंस का जो पावर होगा, थिक लेंस का जो पावर होगा वो क्या होगा, कम होगा हमेशा किससे, थिन लेंस से, क्योंकि टी बढ़ाने पर जो पावर है, पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इनके लिए क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर हम दोनों की तुलना कर रहे हैं थिक लेंस की पावर की और थिन लेंस की पावर की, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होनी चाहिए इनके वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, सो अगर हम क्या करें, टी को बढ़ाएं, थिकनेस को बढ़ाएं, तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब क्या होगा, जो वन अपॉन एफ है वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और फिर से हम थिकनेस को बढ़ाते रहें, अगर फर्दर इंक्रीजिंग ऑफ थिकनेस, लेंस बिकम्स अ कॉनकेव लेंस, तो ये जो लेंस है वो कॉन्वेक्स ना लेकर ना रह करके अब क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा, यानी कि डाइवर्जिंग इन नेचर। ठीक है, डाइवर्जिंग इन नेचर, ठीक है ना, इस तरीके का होगा कॉनकेव लेंस। सो वी कैन से दैट इंक्रीजिंग ऑफ थिकनेस द लेंस बिकम्स अ कॉनकेव लेंस एंड दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ थिकनेस टी, दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ थिकनेस टी एट विच वैल्यू ऑफ थिकनेस द लेंस बिकम्स अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, सो दैट वैल्यू इज कॉल्ड द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी थिकनेस। तो वन अपॉन एफ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यानी कि एफ, वन अपॉन एफ जो है, ये जो वन अपॉन एफ है ये ज़ीरो कब होगा, अगर टी जो है वो किसके बराबर हो जाए, टी सी के बराबर। ठीक है, सो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, ये वही वैल्यू वन अपॉन एफ नॉट की, ये वाली म्यू माइनस वन, वन अपॉन आर वन प्लस आर टू माइनस म्यू माइनस वन, टी की जगह पे हमने पुट कर लिया टी सी इज इक अपॉन म्यू इंटू आर वन आर टू इज इक्वल टू ज़ीरो। सो एट टी इज इक्वल टू टी सी, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। सो वन अपॉन आर वन, फ्रॉम हेयर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू, दिस म्यू माइनस वन विल बी ज़ीरो। सो वन अपॉन आर वन प्लस आर टू माइनस
म्यू माइनस वन इंटू टी सी अपॉन म्यू आर वन आर टू इज इक्वल टू जीरो. सो म्यू माइनस वन टी सी अपॉन म्यू आर वन आर टू को आप राइट हैंड साइड ले जाइए, ये तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर वन प्लस आर टू. तो यहाँ से टी सी की वैल्यू निकाल लें अगर हम, तो टी सी विल बिकम ये टी सी, ये सब इधर ले जा लो, ये अपॉन में आ जाएगा म्यू म्यू माइनस वन जो है वो अपॉन में आ जाएगा, बाकी ये म्यू आर वन आर टू की मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे. तो म्यू अपॉन म्यू माइनस वन इंटू आर वन आर टू को अंदर हम ले गए इसमें, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आर वन से आर वन, यहाँ आर टू से आर टू कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बिकम म्यू अपॉन म्यू माइनस वन इंटू आर वन प्लस आर टू. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थिकनेस एट विच वन अपॉन एफ बिकम्स ज़ीरो, वन अपॉन एफ बिकम्स ज़ीरो और एफ बिकम्स इन्फिनिटी. ठीक है, सो जिसके लिए कि लेंस जो है वो क्या हो जाएगा आपका, कॉनकेव नेचर का हो जाएगा. सो दैट वैल्यू ऑफ थिकनेस इज कॉल्ड द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ थिकनेस. सो ये फॉर्मूला है आपका थिकनेस का, सॉरी क्रिटिकल वैल्यू ऑफ थिकनेस का, क्रिटिकल थिकनेस. इफ द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेस ऑफ बायोकॉन्वेक्स लेंस इज सेम, दैट इज इफ आर वन इज इक्वल टू आर टू, देन टी सी विल बी टी सी म्यू अपॉन आर म्यू माइनस वन इंटू आर वन प्लस आर टू, दैट इज टू आर. सो अगर आर वन इक्वल्स टू आर टू इक्वल्स टू ले लें हम आर, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका टी सी इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू माइनस वन इंटू टू आर. सो ये जो था आपके पास जो थिकनेस हमने बताया, फिर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ थिकनेस बताया, ये हमने ये दिखाया कि कैसे फोकल लेंथ जो है बायोकॉन्वेक्स लेंस की वो थिकनेस पे जो है डिपेंड करती है, किस तरीके से वेरी करती है थिकनेस के साथ. थिकनेस बढ़ाएंगे तो क्या होगा एफ के साथ, थिकनेस घटाएंगे तो एफ के साथ क्या होगा. ठीक है, कौन सी वैल्यू पे जो है टी की किस वैल्यू, थिकनेस की किस वैल्यू पे एफ जो है वो इन्फिनिटी हो जाता है या वन अपॉन एफ जो है वो जीरो हो जाता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ विद द थिकनेस ऑफ द लेंस और बायोकन्वेक्स लेंस. ठीक है, सो पावर ऑफ थिक लेंस क्या होगा, पावर. सो पावर वन अपॉन एफ इक्वल्स टू, ये तो हमारे पास फॉर्मूला है पहले से ही थिक लेंस की, जो थिक लेंस के लिए हमने निकाला था, और यहाँ पर ये जो बायोकॉन्वेक्स लेंस है इसके लिए. सो म्यू माइनस वन इसको अंदर आप खोल लो, म्यू माइनस वन अपॉन आर वन माइनस म्यू माइनस वन अपॉन आर टू और प्लस म्यू माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन आर वन आर टू इंटू टी बाय म्यू. ओके, सो पावर ऑफ अ लेंस विल बी पी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, ठीक, इज इक्वल टू, ये भी तो वैल्यू वन अपॉन एफ की थी ये वाली वैल्यू, तो यही आ जाएगा म्यू माइनस वन अपॉन आर वन माइनस म्यू माइनस वन अपॉन आर टू प्लस म्यू माइनस वन अपॉन आर वन आर टू टी बाय म्यू. सो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए अगर हमें पावर निकालना है तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये शो करता है द पावर ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस. सिमिलरली ये जो सेकेंड टर्म है माइनस ऑफ म्यू माइनस वन अपॉन आर टू, दैट रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ द सेकेंड रिफ्रैक्टिव सरफेस, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ठीक, एंड दिस थर्ड टर्म इज वॉट, सो वी कैन सी हेयर पी इज इक्वल टू दिस पी वन प्लस पी टू, यहाँ पुट कर लेते हैं ये पी वन और पी टू की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में. तो ये वाला फर्स्ट टर्म अगर पी वन है, ये सेकेंड टर्म अगर पी टू है, तो क्या ये थर्ड टर्म जो है ये क्या होगा, पी वन इंटू पी टू माइनस पी वन पी टू इंटू टी बाय म्यू नहीं होगा, म्यू माइनस वन अपॉन जो थर्ड टर्म है हम उसको लिख सकते हैं म्यू माइनस वन इंटू म्यू माइनस वन, ठीक, अपॉन आर वन अपॉन आर टू. तो ये तो है आपका पी वन और ये वाला टर्म है आपका माइनस ऑफ पी टू, तो इंटू
माइनस पी वन पी टू इंटू टी बाय न्यू। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल है दैट अ कन्वर्जेंट थिक लेंस, कन्वर्जेंट थिक लेंस हैज रेडियाई ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर एंड -6 सेंटीमीटर एंड म्यू इज इक्वल टू 1.60 एंड थिकनेस टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो डिड्यूस इट्स फोकल लेंथ एट व्हाट वैल्यू ऑफ टी विल द लेंस बिकम डाइवर्जेंट। ठीक है, तो पहले तो इस क्वेश्चन को समझना है हमने। थिक लेंस, कन्वर्जेंट थिक लेंस है जिसकी की रेडियाई ऑफ कर्वेचर यानी कि दोनों दे रखे हैं आर वन भी और आर टू भी। ठीक, म्यू हमें गिवन है 1.60 और थिकनेस हमें गिवन है टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमें करना है इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, डिड्यूस इट्स फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी, एक तो हमें निकालना है एफ, ठीक, और दूसरा हमें क्या निकालना है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ टी विल द लेंस बिकम डाइवर्जेंट। यानी कि क्या डाइवर्जेंट, यानी कि ये कॉनकेव टाइप कब होगा, टी इज इक्वल टू टी सी पे। ठीक है, तो वो टी सी की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है, तो टी सी का फॉर्मूला भी हमें पता है। तो फिर 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू दिस, और यहाँ सब भी वैल्यूज पुट करके हमारे पास जो रिजल्ट आ गया दैट इज f इज इक्वल टू 7.08 सेंटीमीटर। सेकेंड टी सी म्यू इंटू आर वन प्लस आर टू अपॉन म्यू माइनस 1। सो ये आपके पास ये वैल्यूज पुट करके आपके पास आ गया 42.6 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम टी की जो यानी कि थिकनेस जो है वो हम 5 सेंटीमीटर, पहले कितनी थी पहले 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहले थिकनेस थी 5 सेंटीमीटर जब ये कॉन्वर्जेंट लेंस था, यानी कि बायोकॉन्वेक्स लेंस था, कॉन्वर्जेंट लेंस था। ठीक है, और ये डाइवर्जेंट नेचर का हो जाता है जबकि टी की वैल्यू जो है थिकनेस की वैल्यू ये वाली से बदल कर, यानी कि टी को हम इतना इंक्रीज़ कर दें, कितना इंक्रीज़ कर दें 42.6 सेंटीमीटर। तो इस जब हम इंक्रीज़ करेंगे टी की वैल्यू 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 10, 20, 30, 40, 42.6 जैसे ही वैल्यू आएगी वैसे ही इस लेंस का जो नेचर है वो डाइवर्जिंग नेचर का हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स हैं आप खुद भी कीजिए, कहीं बुक्स वगैरह में आप ढूंढिए उनको, और ये न्यूमेरिकल्स भी आपके पास, कभी ऐसा भी हुआ है कि ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आ गए हैं पेपर में, ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल्स की भी काफ़ी प्रिपरेशन करो। नेक्स्ट थोड़ा सा हम टेलीस्कोप्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि टेलीस्कोप्स, वैसे तो आपके पास अभी और टेलीस्कोप्स का काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना है थोड़ा, लेकिन आज हम थोड़ा सा टेलीस्कोप्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। सो व्हाट इज टेलीस्कोप, इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस इनेबल्स अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। सो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जो दूर की चीज़ें हैं उनको हम क्लियरली देखने के लिए एक ऑप्टिकल डिवाइस का यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेलीस्कोप। ओके, सेकंड इट प्रोवाइड्स एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये हमें एंगुलर मैग्नीफिकेशन एम थीटा इसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो यानी कि इसमें हमें जो मैग्नीफिकेशन मिलता है वो किस टाइप का मिलेगा, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो होता है वो हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स, टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स, फर्स्ट इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स एंड सेकंड इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स। ओके, सो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स, ऑब्वियसली दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन फिनोमिना। तो रिफ्रैक्शन फिनोमिना पे बेस है इसका प्रिंसिपल। ठीक है, एंड
रिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑफ लाइट, एंड दिस इज यूज्ड टू व्यू द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एंड यहाँ पर जो यूज होंगे वो क्या होंगे, मिरर्स होंगे या लेंसेज होंगे, लेंसेज, लेंसेज का यूज होगा बिकॉज दिस इज रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स होते हैं वो भी दो टाइप के हैं, एक तो आपके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स एंड सेकेंड इज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स, ओके। सो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स, सो दीज टाइप ऑफ टेलीस्कोप्स आर यूज्ड टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट्स, हेवनली ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, जो अंतरिक्ष में जो जितनी भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सन है, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, इनको देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं, ओके। इन दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप फाइनल इमेज जो फॉर्म होगी, फाइनल इमेज इज फॉर्म इज इन्वर्टेड, दिस टाइप इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज जो है फॉर्म होगी, ठीक है, यानी कि इमेज उल्टी होगी। बट ये कोई डिफरेंस नहीं दिखाएगा क्योंकि मोस्टली हेवनली बॉडीज आर राउंड इन शेप, ठीक है, तो इसलिए जो इमेज फॉर्म होगा और जो ऑब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। सेकंड इज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, सो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आर यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए हम कौन से टेलीस्कोप्स यूज करते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स, ठीक है। एंड हियर द इमेज, फाइनल इमेज जो फॉर्म होती है, फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, इरेक्ट इमेज, इन इरेक्टेड इमेज जो है हमें मिलती है, इरेक्टेड इमेज इस तरीके की, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स एंड देयर वॉज टू टाइप ऑफ टेलीस्कोप्स, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये कहाँ यूज होते हैं और जो है इनमें इमेज किस तरीके की बनती है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में भी हमने देख लिया, सेकेंड जो टेलीस्कोप का टाइप है दैट इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। सो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, सो इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स कन्वर्जिंग मिरर्स आर यूज्ड टू व्यू द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। सो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर देखने के लिए कौन से लेंसेज का यूज नहीं होता है, इसमें सबसे जो मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ रिफ्रैक्टिंग जो टेलीस्कोप्स हैं इसमें किसका यूज होता है, लेंसेज का, और यहाँ मिरर्स का, बिकॉज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स हैं, ओके। व्यू द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल्स हैं इसके न्यूटोनियन कैसग्रेन टेलीस्कोप्स, ठीक है, तो इनको हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, जो टेलीस्कोप के टाइप्स हैं इनको डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे हम, और तब तक इसके इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो आप तैयार कीजिए, मैं एक असाइनमेंट देने वाली हूँ जल्दी ही, ओके, ठीक है।